क्लास 11 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 कलेक्शन ऑफ डेटा। आज हम पढ़ेंगे स्टेटिस्टिकल एरर। स्टेटिस्टिकल एरर होता है जिसे हम बोलते हैं, हमने जो डेटा हम जो कलेक्ट करते हैं उसमें जो एरर आ जाता है, त्रुटि आ जाती है, उसे हम कहते हैं स्टेटिस्टिकल एरर। इसका मीनिंग है, अ स्टेटिस्टिकल एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल नंबर एंड द एस्टिमेट विच इज मेड आइदर बाय अप्रोक्सीमेशन और बाय एनी अदर मेथड। स्टेटिस्टिकल एरर वो होता है जब क्या होता है, एक्चुअल नंबर में और एस्टिमेट मतलब जो हम अनुमान करते हैं उसमें क्या आता है, एक डिफरेंस आता है, एक अंतर आता है, और वो किसकी वजह से आता है, अप्रोक्सीमेशन की वजह से। मतलब अप्रोक्सीमेशन मतलब होता है उसके पास या उसके समीप, उसकी वजह से आता है या फिर उस मेथड की वजह से आता है। मेथड की वजह से या जो उस डेटा है या डेटा के जो मेथड के जो हम बिल्कुल करीब होते हैं उसकी वजह से जो एरर आता है, किसके बीच में, नंबर के बीच में, एक्चुअल नंबर के बीच में और जो हमने अनुमान किया है उसके बीच में जो एरर आता है उसे हम कहते हैं स्टेटिस्टिकल एरर। स्टेटिस्टिकल एरर टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट बायस्ड और क्यूमुलेटिव एरर्स, सेकेंड अनबायस्ड और कंपेंसेटरी एरर्स। बायस्ड मतलब होता है पक्षपात। फर्स्ट पढ़ेंगे हम बायस्ड एरर। बायस्ड एरर आर दोज विच अराइज ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन बायस ऑन द पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेंट और द इन्वेस्टिगेटर। बायस्ड एरर वो होते हैं जब आते हैं जब किसी अकाउंट में निश्चित प्रकार से क्या होता है, पक्षपात होता है, किसके बिहाव पर, या तो इन्फॉर्मेंट के बिहाव पर या तो इन्वेस्टिगेटर जो जांच करता है उसके बिहाव पर। सेकेंड अनबायस्ड एरर। अनबायस्ड एरर्स आर दोज विच डू नॉट अराइज बिकॉज ऑफ एनी बायस और द ऑन द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर बट विच क्रीप इन बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। अनबायस्ड एरर वो होते हैं जो किसी इन्वेस्टिगेटर के बायस पार्ट की वजह से अराइज नहीं होते, मतलब किसी इन्वेस्टिगेटर के पक्षपात की वजह से नहीं होते, लेकिन उसका रीज़न होता है फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। जब सैम्पलिंग जो मेथड हम करते हैं उसमें क्या जाती है, फ्लक्चुएशन आ जाता है, अस्थिरता आ जाती है, इसकी वजह से क्या होते हैं वो अनबायस्ड एरर अराइज होते हैं। नेक्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस मतलब होता है जनगणना। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट नेशनल लेवल एंड एट स्टेट लेवल आर इंगेज्ड इन कलेक्टिंग स्टेटिस्टिकल डेटा फॉर डिफरेंट पर्पसेस। कई ऐसे संगठन क्या हैं, नंबर ऑफ संगठन चलती हैं किसमें, नेशनल लेवल पर चलती है और स्टेट लेवल पर क्या है, अपना वर्क कर रही है, किस लिए, ताकि जो स्टेटिस्टिकल डेटा है वो हम कलेक्ट कर सके, किस लिए, अलग अलग पर्पसेस के लिए, उद्देश्य के लिए, जैसे सेंसस ऑफ पॉपुलेशन एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेंसस ऑफ पॉपुलेशन एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये दो संगठन क्या हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे सेंसस ऑफ पॉपुलेशन। मीनिंग ऑफ सेंसस ऑफ पॉपुलेशन, सेंसस ऑफ पॉपुलेशन होती क्या है। सेंसस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड कंप्लीट एंड कंप्रेहेंसिव इन्फॉर्मेशन अबाउट डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ इंडिया। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेशनल स्टॉक टेकिंग। जो नेशनल सेंसस ऑफ पॉपुलेशन है वो क्या है, प्रोवाइड करती है कंप्लीट और कंप्रेहेंसिव। कंप्रेहेंसिव मतलब होता है डिटेल में, पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, किस में, इंडिया की जो डेमोग्राफिकल कंडीशन है उसके बेसिस पर पूरी इन्फॉर्मेशन हमें क्या करती है, प्रोवाइड करती है। और इसे किस नाम से जाना जाता है, और नेशनल स्टॉक टेकिंग के नाम से जाना जाता है। द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और UNO डिफाइंस इट एज अंडर। सेंसस ऑफ पॉपुलेशन को UNO ने इस प्रकार डिफाइन किया। सेंसस ऑफ पॉपुलेशन इज अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एडिटिंग एंड पब्लिशिंग द डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्ट्स अबाउट ऑल द पीपल रिसाइडिंग ऑफ एट अ पर्टिकुलर टाइम इन अ पर्टिकुलर स्टेट। UNO के अकॉर्डिंग सेंसस ऑफ पॉपुलेशन होती है जिसमें एक कंप्लीट प्रोसेस माना गया है, जिसमें क्या किया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसे एडिट किया जाता है, पब्लिश द डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक मतलब होता है जनसांख्यिकी, इसके साथ आर्थिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, सोशल, सामाजिक सारे फैक्ट कलेक्ट किए जाते हैं, किससे रिलेटेड, पीपल रिसाइडिंग। रिसाइडिंग मतलब होता है उनके निवास के बेसिस पर फैक्ट कलेक्ट किए जाते हैं, किस टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम, मतलब किस टाइम पर वो कहाँ निवास करते हैं, उनकी आर्थिक साथ में सामाजिक स्थिति देखी जाती है, सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है, और किस में और वो किस राज्य में है, पर्टिकुलर स्टेट का कलेक्ट किया जाता है, सारी उसमें क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है।
The data are thus collected regarding different aspects such as size of population, density of population, literacy of population, sex ratio, vital statistic and the like. The entire work is performed by census method that is collection of data of universe. इसके साथ जो जितना भी डेटा कलेक्ट किया जाता है उसमें क्या होती है, पॉपुलेशन का साइज़ होता है, जनसंख्या का साइज़ देखा जाता है, पॉपुलेशन की डेंसिटी घनत्व देखा जाता है, पॉपुलेशन की लिटरेसी रेट देखी जाती है, वहाँ पर कितना शिक्षित लोग हैं वहाँ पर, इसके साथ मेल और फीमेल का रेशियो देखा जाता है, वाइटल स्टेटिस्टिक्स एंड द लाइक. वाइटल मतलब होता है महत्वपूर्ण, स्टेटिस्टिक और उसके सामान जितनी भी उसकी जो डिटेल होती है वो देखी जाती है, और साथ में जो वर्क होता है इस मेथड में वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, पूरा हम यूनिवर्स का कलेक्ट करते हैं. नेक्स्ट, सेंसस ऑफ पॉपुलेशन इंडिया में कब से स्टार्ट हुआ और कब कंडक्ट किया गया. द डेंसिनियल सेंसस ऑफ इंडिया हैज़ बीन कंडक्टेड 15 टाइम्स एज ऑफ 2011. सेंसस ऑफ इंडिया इंडिया में अभी तक जो जनगणना की गई है वो कितनी बार हो गई है, 15 टाइम्स हो गई है, और लास्ट टाइम हुई थी 2011 में. While it has been undertaken every 10 years, beginning in 1872 under British Viceroy Lord Mayo, the first complete census was taken in 1881. जो census of India है वो इंडिया में कितनी बार होती है जनगणना, 10 साल में एक बार होती है, और इसकी स्टार्टिंग बिगनिंग हुई थी किसके द्वारा की गई थी, ब्रिटिश विसेरॉय लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी 1872 में. लेकिन 1872 में जो सेंसस ऑफ पॉपुलेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो इसलिए फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुआ था, 1881 में. तो फर्स्ट सेंसस है इंडिया में वो कब हुई थी कंप्लीट, 1881 में. देन उसके बाद हर 10 ईयर्स में सेंसस ऑफ पॉपुलेशन की जाती है. 1881 के बाद 1891 सेंसस ऑफ इंडिया, देन 1901 सेंसस ऑफ इंडिया, देन 1911 सेंसस ऑफ इंडिया, 1921, 1931, 1941 सेंसस ऑफ इंडिया. 41 तक था मतलब इंडिपेंडेंस के पहले तक ये सेंसस जनगणना की गई. आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951 सेंसस ऑफ इंडिया, 1961 सेंसस ऑफ इंडिया, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011. जो लास्ट टाइम सेंसस ऑफ इंडिया में जो कंडक्ट की गई थी वो 2011 में थी, और अब जो सेंसस ऑफ इंडिया में जो सेंसस होगी वो होगी 2021. टॉपिक है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO. द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1950. जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है वो 1950 में उसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी. एज अ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कलेक्टिंग स्टेटिस्टिकल डेटा बाय कंडक्टिंग सर्वे फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर वेरियस प्रॉब्लम. इस इंस्टीट्यूट, ये क्या है, एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, और इसका एम क्या है, जो स्टेटिस्टिकल डेटा होता है उसे कलेक्ट करना, कैसे कलेक्ट करना, टाइम टू टाइम कलेक्ट करना, और किसके थ्रू, सर्वे के थ्रू कलेक्ट करना. इन एडिशन टू कलेक्टिंग डाटा, और कलेक्टिंग डाटा के साथ में देयर आफ्टर द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा आर मेड एंड पब्लिश्ड. और कलेक्शन ऑफ डाटा के साथ साथ जो डाटा है उसका एनालिसिस किया जाता है, मतलब एग्जामिन किया जाता है, और इंटरप्रिटेट किया जाता है, मतलब उसे एक्सप्लेन भी किया जाता है और पब्लिश किया जाता है. द NSSO हैज़ 4 डिविजन्स. NSSO के चार क्या हैं, डिवीज़न से विभाग हैं. फर्स्ट, सर्वे डिज़ाइन एंड रिसर्च SDR, फील्ड ऑपरेशंस डिवीज़न FOD, थर्ड डेटा प्रोसेसिंग डिवीज़न जिसे हम DPD पढ़ते हैं, एंड लास्ट फोर्थ इकोनॉमिक एनालिसिस. इसके बाद है ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ NSSO. ये ऑब्जेक्टिव भी हैं और फंक्शंस भी हैं. फर्स्ट, टू प्रोवाइड स्टेटिस्टिकल एंड अदर इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ स्टेट और नेशनल प्लानिंग एंड पॉलिसी रिक्वायरमेंट. NSSO ऑब्जेक्टिव इज, जो NSSO है वो इंफॉर्मेशन क्या करती है, प्रोवाइड करती है, जब प्लानिंग बनती है स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर, जब प्लानिंग बनाई जाती है या पॉलिसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तब उस टाइम पर जो NSSO है वो क्या करती है, स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन क्या करती हैं, प्रोवाइड करती है फॉर मेकिंग पॉलिसी एंड प्लानिंग. एंड
टू इवॉल्व स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ स्टेटिस्टिकल डेटा द सॉल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स एंड एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर ट्रेंड्स। इसके साथ जो NSSO है उसका फंक्शन ये वो टेक्निक्स क्या करती है, प्रोवाइड करती है किस में टेक्निक्स, एग्जामिन करने के लिए जो स्टेटिस्टिकल डेटा होता है उसे एग्जामिन करने के लिए, और जो प्रॉब्लम्स होती है जो प्रशासन की क्या होती है प्रॉब्लम्स होती है उसे सॉल्व करने के लिए कुछ टेक्निक्स और एग्जामिन प्रोवाइड करती है, और इसके साथ में एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर ट्रेंड्स, इसके साथ में अनुमान लगाया जाता है किसका, भविष्य का। थर्ड, टू कलेक्ट एंड पब्लिश इंफॉर्मेशन विच विल बी ऑफ यूज टू दोस इंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। और इसके साथ जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाती है, साथ में पब्लिश की जाती है, कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो आर्थिक गतिविधियों से क्या है रिलेटेड होती है, मतलब जो कंट्री के लिए यूजफुल होती है, ऐसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, देन उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को पब्लिश करती है। और टू प्रोवाइड एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन विच आर यूजफुल टू रिसर्च वर्कर्स इन सोशियो इकोनॉमिक फील्ड्स। और इसके साथ साथ जो इंफॉर्मेशन क्या करती है, प्रोवाइड करती है और एनालाइज करती है, एनालाइज मतलब एग्जामिन करती है, कौन सी इंफॉर्मेशन जो रिसर्च में के वक्त पे हमें काम में आती है, कौन सी रिसर्च में सोशियो इकोनॉमिक फील्ड के टाइम पर, सोशियो इकोनॉमिक मतलब आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में जो हमें रिसर्च के टाइम पर जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन होती है वो हमें प्रोवाइड करती है और एग्जामिन करने में हेल्प करती है। द टॉपिक एंड आवर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड।